Hello friends, welcome to my channel. Please subscribe करें और bell button को hit करें for latest updates. आज हम कान्हाजी के लिए एक होली special dress बनाएंगे. ये बहुत ही beautiful dress है. यहाँ पे मैंने silk thread and beads की help से ये dress बनाई है, जो बहुत easy है बनाना और बहुत beautiful बनी है. ये हमने होली के फेस्टिवल के लिए स्पेशली बनाई है. इसको बनाने के लिए हमने सिल्क थ्रेड लिया है, बुकरम का बेस लिया है, सीजर ली है, थ्रेड नीडल लिया है, एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली है पतले वाली. और अब हम अपने सबसे पहले सिल्क थ्रेड के टैसल्स बनाएंगे. तो ये जो मेरी स्ट्रिप है ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं. और इसमें अब मैं अपने टैसल्स बनाऊंगी. तो इस तरीके से मुझे अपने सिल्क थ्रेड को रैप करना है. आप इसको रैप करते जाएं, अप्रॉक्स 80 टाइम्स मैं इसको रैप करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा सिल्क का थ्रेड जो है वो बहुत पतला और बारीक होता है. इसलिए हमको एटलीस्ट 80 टाइम्स आप ज़रूर रैप करें, तभी टैसल्स का लुक अच्छा आएगा. टाइम्स हमको इसको रैप करना है. और देखिए मेरा रैप हो गया 80 टाइम्स. अब मुझे थोड़ा सा छोड़ना है थ्रेड और फिर मैं कट करूंगी. अब जो मैंने कट किया है उसको मैं मिडल में लेके जाऊंगी. तो जो हमने रैप किया है उसके बीच में से आप उसको निकालें और इस तरीके से 2-3 बार आप उसको रैप कर लें मिडल में से ले जाके अपने थ्रेड को. और फिर हम उसको अपने उस कार्डबोर्ड से निकालेंगे. उधर से मैंने पकड़ा है जहाँ रैप किया है, इस तरीके से मैं उसको होल्ड करूँगी. और अब मैं वापस से उसको रैप करूँगी टॉप में. अप्रॉक्स 10-15 टाइम्स आप उसको रैप करें. इस तरीके से मैंने उसको रैप किया और फिर मैं अपनी फिंगर से लूप बनाऊँगी और लूप बना के टॉप में डाल के नॉट लगाऊँगी. तो इस तरीके से हमारा ये सिल्क थ्रेड का टैसल बनेगा. लूप बनाया फिंगर से, उसमें डाला मैंने ऊपर जहाँ पे रैप किया है और उसको टाइट कर दी. इस तरीके से नॉट लगाई है मैंने, एक्सेस थ्रेड को कट किया और अब मैं टैसल को ओपन करूँगी. जो हमारा डबल पोर्शन था नीचे से, तो आप उसको ओपन कर लें. और देखिए इस तरीके से ये बनता है. अब हम नीचे से इसको ट्रिम करेंगे जिससे हमारी सब लेयर्स इक्वल हो जाए. तो नीचे से आप उसको ट्रिम कर लें. ये हमारा सिल्क थ्रेड का टैसल रेडी हो गया है. इसी तरीके से मैंने अपने सारे टैसल्स बना लिए. यहाँ पे मैं टोटल 6 कलर्स यूज़ कर रही हूँ. तो येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्लू एंड रेड. तो यहाँ पे मैंने 6 कलर्स यूज़ किए हैं. ये मैंने बुकरम का बेस बनाया है और इस पे मैं अब अपनी फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये मैंने फैब्रिक लगा ली है. अब मैं अपने टैसल्स को अरेंज करूंगी. तो सबसे पहले हम अपनी आउटर लेयर बनाएंगे. तो जो 6 कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसको मैं एक पैटर्न में अरेंज कर रही हूँ. इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया और अब मैं इसको स्टिच करूंगी. तो थ्रेड नीडल की हेल्प से हम इसको स्टिच करेंगे. आप यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से ग्लू भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप थ्रेड नीडल से इसको स्टिच करते जाएं. सबसे पहले आप अपनी आउटर लेयर ही बनाएं. बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है ये और बहुत क्विकली बन जाती है. आप सबसे पहले अपने सब टैसल्स बना के रख लें. देखिए इस तरीके से मैं अपनी आउटर लेयर कंप्लीट कर रही हूँ. तो हमारी जो आउटर लेयर है वो बन गई है. इस तरीके से इसका लुक आता है. अब हम अपनी इनर लेयर में बीड्स लगाएंगे. तो यहाँ पे मैं ग्लू की हेल्प से अपनी ये बीड्स लगा रही हूँ. यहाँ पे मैं ये थोड़े मोटे वाले वाइट कलर के बीड्स यूज़ कर रही हूँ. आप यहाँ पे कलर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर के यूज़ कर सकते हैं या 2-3 कलर्स भी ले सकते हैं. मैं यहाँ पे वाइट कलर के बीड्स यूज़ कर रही हूँ.
ग्लू की हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ। आप यहाँ पे इसको स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली है बीट्स की, अब मैं सेकंड लेयर लगाऊंगी। टोटल यहाँ पे 2 लेयर्स में कम लगाने वाली हूँ बीट्स की अपने। अब हम स्लीव्स बनाएंगे अपनी। तो मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर बुकरम के लिए है पीस, ये बुकरम के पीस को मैंने आपस में ज्वाइन किया वी शेप में और फिर अपने ड्रेस के बेस में ज्वाइन किया। जो ओपन स्लीव्स है उसको मैं फ्रंट में ज्वाइन करूँगी इस तरीके से। ग्लू की हेल्प से हम इसको अपने बेस में लगाएंगे। आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैंने अब अपनी जो स्लीव्स है उस पर मैं अपनी बीड्स लगाऊंगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस लगती है। बीट्स का हमने सेंटर बीट्स का बनाया है, उससे लुक बहुत अच्छा आता है। और हमने सिर्फ थ्रेड की अपनी आउटर लेयर बनाई है। इस तरीके से मैं अपनी सारे स्लीव्स के पोर्शन को बीट्स से कवर करूंगी। हमारी कान्हा जी की ड्रेस रेडी हो गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है ये और बहुत क्विकली बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।